व्यासपीठ पे सुशोभित महाराज, वो बोलते हैं कि जिसको हरा चश्मा लगा हो उसको हरा नजर आता है। और ठाकुर जी को कथा सुना रहे थे, ये मेरे को नजर आ रहा था इधर बैठ के। बोलते हैं कि ठाकुर जी के केस ऐसे हैं, ठाकुर जी का चेहरा ऐसा है, ठाकुर जी की आंखें ऐसी हैं। उस नजर को देखने के लिए उस नजर की जरूरत है, और उस नजर को देखने के लिए उस नजर की जरूरत है। वाह। हमारे पंजाब में बोलते हैं कि रब ता तैथो वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। वे बुलिया रब दा की पौना, इधरों पटना इधरे लाऊं। बाबा बुल्ला ने भगवान को पाया। किसी ने पूछा कि बाबा बुल्ला कैसे पा लिया तूने भगवान को, और इधर से उखाड़ा इधर लगा दिया। बोला इधर को उखाड़ा इधर लगा दिया, ऐसे भगवान मिल जाते हैं। भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको मिलते हैं? हाँ, भगवान किसको मिलते हैं? जो दूसरों को सुख देते हैं। किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा भगवान इस दुनिया में कौन? किसी ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान कौन? उन संतों ने बताया, तेरा माँ और तेरा बाप। वृंदावन में जा, तू जितनी मर्जी कथा करवा, जितने मर्जी भंडारे लगा, अगर घर पे बैठे माँ बाप को नहीं पूछ सकता तो तेरे भंडारे तेरे भागवत का कोई। में सुननी जरूर पड़ेगी, अच्छी बोलोगे तो अच्छी सुनने को मिलेगी, और बुरी बोलोगे तो बुरी सुनने को मिलेगी। सभी जाते हैं कि यहाँ पे चल, यहाँ पे मनोकामना पूरी हो जाएगी, मेरे साथ वहाँ चल मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे मनोकामना तो हर जगह पे पूरी होती है। छोटी छोटी बात में, आज से पहले बहस बोलते हैं ना जिसको, बहस अदालत में बहस होती है। पहले अदालत में बहस होती थी, घर में प्यार होता था। आजकल घर में बहस होती है, प्यार पता नहीं कहां पे होता है। जैसे छोटी छोटी बात पूछते हैं ना घर वाले एक दूसरे को, मैंने इस वक्त इसने ऐसी बात बोली थी, पूछो इससे, सारे परिवार इकट्ठा होके पूछो। बेटी से पूछेंगे, अभी उसकी शादी हुई है, 10 दिन हुए है, महीना हुआ, इससे पूछो इसने ये काम ऐसे किया या नहीं किया, इस वक्त किया था, इसकी आंखें ऐसी थी, पता नहीं क्या करते रहते हैं। घर में मंदिर और रसोई में लंगर। वो बोलते हैं ना रसोई घर में, जिस दिन पहली रोटी गौ माता की बननी शुरू हो गई ना, उस दिन के बाद कभी किसी को हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा कि मेरे जीवन में कुछ लिखा है बाबा सुख के, नहीं लिखा, अपने आप तेरे घर पे सुख चल के आएगा। और जो ऐसे संतों की कथा सुनते हैं, सच में मैं पंजाब से हूं और वहां पे जितने भी संत महात्मा के दर्शन होते हैं, और आज सच में वृंदावन में हमको ये लग रहा था कि ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी कोई सुना रहे हैं बैठ के, और ठाकुर जी सुन भी ध्यान से रहे थे, ऐसे क्या आनंद आ रहा है। बस आज हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि वृंदावन में आओ, ठाकुर जी को मानना। ठाकुर जी आप बोलो, ठाकुर जी को मानना और ठाकुर जी की मानना। वो को मानने में मत लगो, की मानने में लगो। ये
जो समझाते हैं ना कि ऐसे होना चाहिए, हर एक घर के, हर एक घर में स्वर्ग है। मेरी आयु, छोटी आयु में मेरे घर में सभी चले गए, ऐसे बोलते हैं ना, छोटी आयु में चले गए। और ठाकुर जी की मानना, वो को मानने में मत लगो, की मानने में लगो। ये जो समझाते हैं ना कि ऐसे होना चाहिए, हर एक घर के, हर एक घर में स्वर्ग है। मेरी आयु, छोटी आयु में मेरे घर में सभी चले गए, ऐसे बोलते हैं ना, छोटी आयु में चले गए। सबसे पहले प्रणाम करते थे ना, आज से बड़े बुजुर्ग बैठे तो प्रणाम करते थे, दोनों पांव को हाथ लगाया और ऐसे आगे से आशीर्वाद क्या आता था, लंबी आयु। आज स्टेटस की बात है, ऐसे कर मेरे पांव को हाथ मत लगा, हेलो किया कर मेरे से, ऐसे करने लगे। जब चप्पल उतारो ना तो अपना रुतबा भी बाहर उतार दो। आप कौन से सेठ हो, जब वृंदावन के लिए कपड़े पैक करो तो भूल जाओ कि आपके पास कितनी संपत्ति नहीं, कितने आपके पास धन है, कितनी दौलत है, किस किस चीज के मालिक हो। एक चीज याद रखना कि आप ठाकुर जी के नौकर और ठाकुर जी के सेवादार हो, बस। और महाराज आज विनती करेंगे कि आके पंजाब को भी पवित्र कीजिए। आइए सतगुरु दरबार में आके संगत को निहाल कीजिए, वहां पे आके ठाकुर जी के नाम का, राधा रानी के नाम का ऐसा वृक्ष लगा दीजिए कि जो जो उस वृक्ष को देखे भी ना, एक एक पत्ते में हजार हजार बार नजर आएगी राधा 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 लिखा हुआ है उस वृक्ष। अरे मैं तुम्हारी शरण हूँ, मुझे चरणों से ना जुदा करना, मैं भिखारी तेरे वृंदावन आया है मेरे कन्हैया। सभी आज अभी बिहारी जी के दर्शन करने गए तो बारिश पड़ गई, तो सभी भागने लगे, बारिश पड़ रही है, मैं भाग्य वाले हो। पता नहीं जिंदगी में ऐसी कौन सी आग बुझा देगी तेरी जिंदगी में लगी ये वृंदावन की बारिश। बस एक मिनट का समय महाराज, आप, आपके सामने बैठी संगत, ये संत लोग, पंजाब से आए हूं और नौकरी में लगा हुआ हूं, बस आप सभी ये आशीर्वाद दे दो कि ये कभी नौकरी छूटे ना और दर्शन ऐसे आप सबके करता रहूं, और आपका चेहरा ना नजर आए आने वाले समय में, सिर्फ मेरे को राधा रानी ठाकुर जी नजर आने लग जाए सब जहां बैठे। हर मुश्किल दे नौकरी में लगा हुआ हूं, बस आप सभी ये आशीर्वाद दे दो कि ये कभी नौकरी छूटे ना और दर्शन ऐसे आप सबके करता रहूं, और आपका चेहरा ना नजर आए आने वाले समय में, सिर्फ मेरे को राधा रानी ठाकुर जी नजर आने लग जाए सब जहां बैठे। हर मुश्किल दे वेले राधा नहीं पता लगा, हर मुश्किल के समय में राधा रखती आप ख्याल मेरा, राधा 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 राधा।
जब भी दुखों ने जाको जापे सत्य सनेहु सोत ही मिले ना कछु संदेहु। मैं महाराज जी को कल के पहले जानता नहीं था, पर कल ही परिचय हुआ और आज कृपा करके पधारे हैं, आपके चरणों में प्रणाम है। पंजाब से पधारे महाराज जी, यहाँ भी पंजाब के बहुत सारे भक्त बैठे हैं। मैं पिछली एक साल में 4 बार एक ही शहर में कथा करने गया हूँ। एक साल में तलवाड़ा करके एक जगह है पंजाब में, और वहाँ पे काफी बड़ा परिकर है।